मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक बार फिर नर्सिंग घोटाले का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर सदन में गलत जानकारी रखने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, जिस नर्सिंग कॉलेज को मंत्री सारंग ने मान्यता दी उसका मालिक आज जेल में है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पांचवें दिन भी सदन में नर्सिंग घोटाले को लेकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर कहा कि सरकार क्यों मंत्री और अधिकारियों को बचाना चाह रही है, इस मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों नहीं की जा रही। देखिए, मैं ऐसे विषयों पर बात चर्चा नहीं करना चाहता हूं, जो विषय जनता के मुद्दे हैं उनसे भटक के मुद्दों पर बात होती है। मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूँ कि इन बातों में जवाब दूँ। मैंने आपको कहा कि अगर अंग्रेजों के समय के नियम हैं, अगर बदले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बदलना चाहिए नियम, इसमें क्या है। अगर उन कैदियों को सुविधाएं होना चाहिए जो आज इतने सालों से उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिस प्रकार से भी है, मैं समझता हूँ कि इसमें सर कोई दो राय वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सरकार आज जो जानकारी मिली है कि विधानसभा के अनिश्चितकालीन के लिए करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के व्यापम 2 से घबरा गई है। क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते, क्यों 230 विधायक और उसमें 30 मंत्री है, 30 मंत्रियों को तो काम होते हैं लेकिन 200 विधायकों का क्या, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, उन्होंने आज प्रश्न लगाए जनता के हित में, अपनी विधानसभा की बात करी, तो उनको क्या अधिकार नहीं है, क्या ये बिजनेस नहीं है। शासकीय कार्य अगर खत्म होता है तो क्या यहाँ ध्यान आकर्षण आते जाए, तो आपने क्यों ऐसी विधानसभा बड़ा चलाना चाहते हो कि 14-15 दिन। सरकार डर गई है व्यापम 2 के इस घोटाले से, नर्सिंग कॉलेज के घोटाले से। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कल भी आरोप लगाया सरकार को, यह कहा कि भाई जो आप राशि खर्च कर रहे हो पूंजीगत व्यय में, कैपिटल आउटले में, ऐसी योजनाओं में खर्च कर रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी घोटाले चल रहे हैं, उन घोटालों की जाँच नहीं करना चाहते। 2018 से पहले से लोग लोकायुक्त के प्रतिवेदन पटल पर नहीं रखे जा रहे, तो सरकार हर जाँच को दबाना चाहती है, घोटालों पे घोटाला करना चाह रही, विपक्ष कभी चुप नहीं रहेगा। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि विश्वास सारंग जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार हैं। कांग्रेस सरकार बनने से पहले ही नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई थी। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि विश्वास सारंग के कार्यकाल में 200 कॉलेजों को मान्यता दी गई। दया आ रही है, कल उन्होंने जो एक सूची का उल्लेख किया उनके प्रेस वार्ता में, वो उस सूची की तारीख है शायद 9 या 11 जनवरी 2019, उसके दो दिन पहले ही कांग्रेस ने शपथ ली थी। तो दो दिन में क्या हम मीटिंग करके उसमें मान्यता दे देंगे किसी कॉलेज को, वो तो पुरानी मान्यता है जिसकी वो सूची उस समय छपी थी। तो देखिए, इसमें मेरा उनसे ये आग्रह रहेगा कि वो स्वयं मंत्री हैं, बड़े पद पे हैं, इसमें वो भी अपील करें, जो हमारे वो भी अपील करें CBI से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।